उसके पास फायर नहीं है जलाने के लिए एंड भूख के कारण उसका तबीयत खराब हो रखा है, एकदम भूखा है वो, इस वजह से वो कुछ लिख नहीं पा रहा। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वॉलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। स्वॉलो बोला कि ठीक है हम एक दिन और रुक जाते हैं, लेकिन अब तो तुम्हारे पास कोई रूबी नहीं है देने के लिए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स विच वेयर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। तो हाँ मेरे पास रूबी नहीं है, लेकिन मेरा आईज एक तरह का सफायर से बना हुआ है जो कि इंडिया से लाया गया था और बहुत रेयर है। ही ऑर्डर्ड द स्वॉलो टू प्लक वन आउट ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्लेराइट, बट बोला कि प्लेराइट के पास मेरा सफायर ले जाओ, वो ज्वेलरी वो किसी ज्वेलर को बेच देगा, वो लकड़ी खरीदेगा, खाना खरीदेगा और प्ले ख़त्म कर लेगा। डियर प्रिंस हम ये सब नहीं कर सकते, और वो स्वॉलो को रोना आ गया। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो डू एज आई कमांड, तो फिर स्वॉलो प्रिंस का आई निकाला एक और उस यंग मैन के गैरेट में गया। काफ़ी ईजी था क्योंकि रूफ में एक होल था, वो वहाँ से घुस गया धीरे धीरे। द यंग मैन हैड इज हेड बरिड इन इज हैंड, वो तो एकदम हेड डाउन करके पड़ा था बस, और कोई बर्ड का विंग्स वगैरह का आवाज़ भी उसको नहीं सुनाई दिया। फिर जब वो ऊपर देखा तो उसको एक बहुत अच्छा सा फायर मिला उस वायलेट्स के पास, तो वो सोचा आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। बोला ज़रूर कोई मेरे वर्क को एडमायर करता है, तभी हमको ये इतना एक्सपेंसिव दिया, तो अब हम अपना वर्क ख़त्म कर सकते हैं अपना प्ले। नेक्स्ट डे स्वॉलो हार्बर में गया, वो मास्ट के ऊपर बैठा ऑफ अ लार्ज वेसल, मास्ट मतलब जो कपड़ा के जैसा बंधा हुआ होता है शिप में, और सेलर्स को काम करते हुए देख रहा था। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वॉलो, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं था, सब अपना काम कर रहा था। फिर जब मून आया वो हैप्पी प्रिंस के पास गया कि हम तुम्हारे पास आए गुड बाय के लिए। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, इट इज़ विंटर, आंसर्ड द स्वॉलो, एंड द स्नो विल सून बी हेयर, इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मर्ड एंड लुक लेजीली अबाउट दैम। तो यहाँ तो बहुत ठंड है लेकिन इजिप्ट में तो सन है, अभी वार्म है, तो हमको इजिप्ट जाना है। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, एक लड़की खड़ी है मैच गर्ल, जिसका सारा मैच स्टिक्स गटर में गिर गया और सब गीला होकर खराब हो गया। अब अगर वो कुछ भी बेच के रुपया नहीं कमाएगी और अपने पापा के पास नहीं देगी ले जाकर, तो उसके पापा उसको मारेंगे। उसके पास जूता भी नहीं है, स्टॉकिंग्स भी नहीं है, और उसका हेड भी बेयर है, कोई स्कार्फ नहीं, मफलर नहीं, कुछ नहीं। तो हैप्पी प्रिंस बोल रहा है कि तुम मेरा एक दूसरा आई ले जाओ और उसको ले जाकर दे दो, तब उसके पापा उसको नहीं मारेंगे। तो द स्वॉलो इज सेइंग आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम्हारा दूसरा आँख भी निकाल लेंगे तब तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे। तो ही सेइंग कि जो बोल रहे हैं वो करो। तो स्वॉलो प्लग्ड आउट अनदर आई और वो उसको ले जाकर दे दिया, उसके हाथ में गिरा, उसको लगा व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग। नाउ स्वॉलो उसके पास प्रिंस के पास आकर बोल रहे कि अब तो तुम ब्लाइंड हो, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, नो लिटिल स्वॉलो यू मस्ट गो टू इजिप्ट। बोला नहीं तुम ब्लाइंड हो, हम तुमको छोड़कर अब नहीं जाएंगे। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। अलग अलग लैंड में उसको क्या दिखा स्वॉलो, सारा स्टोरी उसको बता रहा था। तो प्रिंस सेड डियर लिटिल स्वॉलो यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, बट मोर मार्वेलस देन एनी थिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन, देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मुसीबत के जितना बड़ा मिस्ट्री कुछ नहीं है। तो तुम इधर उधर का बात कर रहा है, सारा अलग अलग मार्वेलस स्टोरीज बता रहा है, तो एक काम करो तुम मेरे शहर के ऊपर फ्लाई करो और फिर बोलो कि तुमको क्या दिख रहा है। सो द स्वॉलो फ्ल्यू ओवर द ग्रेट सिटी, देखा कि अमीर लोग एकदम खुश है अपने अपने बड़े बड़े सुंदर घर में, भिखारी बेगर्स वेयर सिटिंग एट द गेट्स। ही फ्ल्यू इन टू डार्क लेन्स और दिखा कि वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, बच्चे भूख से बैठे हैं स्ट्रीट्स में बैठे हैं बस। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वेयर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, दो बच्चे एक दूसरे के आर्म में थे ताकि गर्माहट प्रोवाइड कर सकें। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, यू मस्ट नॉट लाई हेयर, मतलब ब्रिज के नीचे भी उन लोग को बैठने नहीं मिल रहा, वॉचमैन बोल रहा है कि तुम लोगों को यहाँ से जाना है। जब वो लोग गए तो फिर बारिश में पूरे भींग गए। तो वो प्रिंस को जाकर वापस सारा बात बोला। अब प्रिंस उसको बोल रहा है कि हम तो पूरे गोल्ड से ढके हुए हैं, तो तुम एक एक करके सारा पत्ता निकालो मेरा और सारे पुअर को देते जाओ। द लिविंग ऑलवेज थिंग्स दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी,
सारे जितने भी लोग जिंदा है सबको यही लगता है, लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स को, ह्यूमंस को, कि गोल्ड मिल जाएगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे. तो लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ, और गरीब को देता गया. हैप्पी प्रिंस एकदम तब तक डल और ग्रे कलर का लगने लगा था. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर. बच्चों का चेहरा एकदम खुशी से भरने लगा था. एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड. फिर बर्फ का टाइम आया, स्नोफॉल हुआ, और आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट मतलब ठंड, एक्सट्रीम ठंड के कारण वाटर वेपर भी फ्रीज हो जाता है और बर्फ बन जाता है. स्ट्रीट ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सिल्वर से कवर हो गया. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और लिटिल बॉय वोर स्कारलेट कैप्स, मतलब रेड कलर का कैप्स, और स्केटिंग वगैरह करने लग गया. पुअर लिटिल स्वॉलो भी ठंड के कारण और एकदम वीक होते जा रहा था, लेकिन उसको प्रिंस को छोड़ना नहीं था क्योंकि प्रिंस को वो बहुत प्यार करता था. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग. ब्रेड वगैरह का या किसी चीज़ का भी टुकड़ा रहता था तब वो उसको खा लेता था स्वॉलो, और अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने विंग्स को फ्लैप करता था. बट एट लास्ट उसको पता था कि वो मरने वाला है, तो उसके पास उतना भी उड़ने का ताकत नहीं था. बस वो एक बार और उड़ सकता था, तो वो प्रिंस के शोल्डर पर जाकर बैठा. बोला, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. सो द प्रिंस इज सेइंग कि फाइनली अच्छा बात है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, लेकिन तुम मेरे को लिप्स में किस करो क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं. तो स्वॉलो सेड कि हम इजिप्ट नहीं जा रहे हैं, हम हाउस ऑफ डेथ जा रहे हैं. डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट. एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट. एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू. स्टैच्यू के अंदर से कुछ टूटने का आवाज आया, लग रहा था जैसे कुछ टूट गया है. इनफैक्ट प्रिंस का जो लेड का हार्ट था, लेडन हार्ट, वो दो टुकड़ा में टूट चुका था. इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट. सोचो कि मेटल का हार्ट टूट गया तो कितना इमोशंस था उन लोगों में. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स. सो नेक्स्ट टाइम वहाँ से मेयर क्रॉस कर रहा था टाउन का, और उसके साथ टाउन काउंसलर्स थे. जैसे वो लोग पास कर रहे थे, वो स्टैचू को देखकर बोला, डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कितना गंदा लगने लग गया. तो टाउन काउंसलर्स क्या करते थे, मेयर के सब बात में हाँ मिलाते थे. तो वो लोग बोला, हाँ, हाउ शैबी इंडीड, बहुत ही गंदा लग रहा है. रूबी भी गिर गया, आइस भी चला गया, गोल्ड भी नहीं बचा, ये तो एक बेगर से बस थोड़ा बेटर लग रहा है. लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स. तो टाउन काउंसलर्स रिपीट कर रहा था, एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट. कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर. मतलब बर्ड वहां पर गिरी हुई, उसका भी उन लोगों को प्रॉब्लम है. टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ सजेशन. तो वो लोग हैप्पी प्रिंस का स्टैचू को हटा दिया. एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी. फिर वो लोग स्टैचू को फर्नेस में मेल्ट करने दिया. फर्नेस मतलब जहां पर लोहा वगैरह गलाया जाता है. वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. ये ब्रोकन, पता नहीं, लेड हार्ट है जो टूटा हुआ है और ये पिघल ही नहीं रहा है, तो इसको फेंक देना चाहिए हम लोगों को. तो वो लोग उस कचरा के ढेर में फेंक दिया जहां पर वो डेड स्वॉलो को फेंका गया था. तो फाइनली हैप्पी प्रिंस और डेड स्वॉलो दोनों वापस यूनाइट हो गया. ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. तो मेरे गार्डन ऑफ पैराडाइज में ये बर्ड पूरा टाइम गाएगी, और जो मेरा सिटी रहेगा गोल्ड में, उसमें हैप्पी प्रिंस हमेशा रहेगा हैप्पीली और मेरा तारीफ करता रहेगा. सो दिस इज द चैप्टर द हैप्पी प्रिंस.